एफआईआर दर्ज करने के लिए एक पिशाच कपल पुलिस स्टेशन पहुंचे। काल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव हरीश ने उस गली के सारे सीसीटीवी फुटेज को जांच की और तीन संदिग्धों की पहचान की। इन तीनों का नाम है जैक, रोबोट एंड सुसान। इन तीनों को देखकर क्या बता सकते हो इनमें से कौन किडनैपर है? बताओ बताओ, जरा सोच के बताओ। किडनैपर सुसान है, क्योंकि ये पिशाच का बच्चा है। उसे बलून और गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, उससे खून चाहिए होता है। पुलिस को जानकारी मिली है कि एक अपराधी एयरपोर्ट से भागने वाला है। डिटेक्टिव हरीश अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने दो संदिग्धों की पहचान की है। इन दोनों के पासपोर्ट को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन डुप्लीकेट पासपोर्ट लेके जा रहा था? बताओ बताओ हमारे डिटेक्टिव आर्मी, जरा सोच के बताओ। बच्चों ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसके पासपोर्ट में जो डेट है अप्रैल 31, 1999, ये डेट गलत है, क्योंकि अप्रैल 31 का तो नहीं होता है, अप्रैल सिर्फ 30 डेज का ही होता है। ये मिस लिली है। मिस लिली लोकल अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम करती है। एक कमरे में तीन पेशेंट है, रॉय, जॉय और कॉय। मिस लिली इस तीनों की जांच करने के लिए उनके रूम पर गया था। इन तीनों को सलाइन लगाया गया और लिली ने निर्देश दिया कि उनमें से तीनों को अपनी जगह से उठने तक नहीं है। मिस लिली फिर अपने दूसरे काम की जांच करने के लिए जाता है। मिस लिली ने जब वापस आया तो वह तुरंत समझ गई मरीजों में एक ने अपनी जगह से उठा था। बच्चों आपको बताना होगा कि इनमें से कौन उठा था। बताओ बताओ, जरा सोच के बताओ। जॉय ही उठा था, क्योंकि वो पहले फोन चला रहा था और जब नर्स वापस आई तो जॉय का फोन चार्जिंग पर लगा था। मतलब जॉय ही उठ के चार्जिंग पर लगा था उसका फोन को। बच्चों मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दो। रोहन स्केटिंग करने के लिए घर से बाहर चला जाता है और कुछ समय के बाद जो वापस घर लौटता है तो देखता है कि उसका कुछ एक्सपेंसिव चीज है घर से नहीं होता है, गायब हो जाता है, मतलब किसी ने चुरा लिया होता है। रोहन ने डिटेक्टिव हरीश को बुलाता है और उसके घर के बाहर चोर का पैर का निशान था और वो डिटेक्टिव हरीश को दिखा रहा था। उन्होंने रोहन के रिश्तेदार पर संदेह किया और उनसे कुछ पूछताछ की। जब रोहन के चाचा को इस बारे में पूछते हैं तो वो ये कहते हैं, मेरे पैर में चोट के कारण मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं कैसे भला चोरी कर सकता हूँ। जब उनकी बहन को पूछते तो वो ये कहते हैं, मैं उस दिन घर पर था, मुझे कुछ नहीं पता। जब उनकी चाची से पूछा वो ये कहा, मैं उस दिन क्रिसमस के लिए अपने घर को सजा रही थी। अब आपको ये बताना होगा कि चोरी किसने की थी। बताओ बताओ, जरा सोच के बताओ। बच्चों ये चोरी उसके चाचा ने ही की थी, क्योंकि उसका पैर खराब था और वो छड़ी के मदद से चल रहे थे। इसीलिए इस फुटप्रिंट पर आप देख सकते हो कि पैर के निशान साइड पर टू डॉटेड मार्क होता है, इसका मतलब वो छड़ी का ही मार्क है, इसीलिए वो चाचा ने ही चोरी की है।